सभी साथियों को जोहार। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के जो साथी गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं उनको आप सभी के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं। अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, जो लॉकडाउन लॉकडाउन मतलब जो जहां है वहीं रहेगा, प्रशासन और सरकार ये मानती है कि जो जहां है वहीं रहेगा, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर प्रतापगढ़ के जो हमारे भाई महाराष्ट्र और गुजरात में हैं वो यहाँ से 700 600 700 700 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये लॉकडाउन जरूर किया है। लेकिन इधर के जो आदिवासी समाज है, एससी समाज है, गरीब तबके के जो लोग गुजरात और महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है और वहां से इन लोगों को निकाल दिया गया है। जिन घरों में दहाड़ी मजदूरी करते थे, जिन दुकानों में कामकाज करते थे, जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, जिन ठेकेदार के पास काम करते थे, उन लोगों ने वहां से उन लोगों को निकाल दिया गया है, वो लोग सड़कों पर हैं। तो इस संबंध में हमारे प्रशासन और शासन दोनों से बात हुई तो उसमें हमें आश्वस्त किया गया है कि जो लोग हैं जहां, जैसे कि महाराष्ट्र में कोई है तो वहां पर उनका नाम पता और पर्टिकुलर जगह का नाम और कितनी संख्या है वो आंकड़ा हमें उपलब्ध कराए, तो ताकि हम वहां से यहाँ तो लाने की या फिर वहां खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाए। इसी तरह गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्टों में जो जो लोग जहां पर हैं, आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, जिसका भी कॉल आता है तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाए कि कितने लोग किस जगह पर हैं, जगह का नाम, व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर और कितनी संख्या है वो लिस्ट।